ओम साईं राम। अगर आप शिरडी जाने की सोच रहे हैं या आप शिरडी में हैं तो आप प्रसादालय जरूर जाइएगा। श्री साईं प्रसादालय समाधि मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको पूरा रास्ता समझाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे अगर आप पैदल मंदिर के रास्ते से जाते हो। वहाँ से बसेस भी फ्री में चलती हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको बसेस कहाँ से मिलेंगी। सो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है शिरडी ट्रिप से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं कि ये मंदिर का मेन गेट है, गेट नंबर 1। आपको यहाँ से बस भी मिल जाएगी और आपको यहाँ से ऑटो भी मिल जाएगा। ऑटो 10 रुपये पर हेड सवारी लेता है और बस आपको बिल्कुल फ्री है, जो श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट की तरफ से चलती है। तो आप बस भी ले सकते हैं और आप पैदल घूमना चाहें तो ज़्यादा दूर नहीं है, ये लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता होगा और 12 मिनट लगते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको साइड में मैप में दिखाया है, आप जैसे गेट नंबर 1 से बाहर की तरफ आएंगे रोड पे, तो आपके सीधे हाथ की तरफ आप थोड़ा सा चलेंगे तो आगे आपको होटल कलास आएंगेगा, वहाँ से आप लेफ़्ट लीजिएगा सामने ही पुलिस स्टेशन की साइड से, सो आप प्रसादालय पहुँच जाएंगे। 5-7 मिनट लगेंगे आपको वहाँ से। सो जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं कि श्री साईं प्रसादालय पहुँच चुका हूँ और जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी प्रतिमा बनी हुई है बाबा की बाहर, जिसमें बाबा खुद अपने हाथों से भोजन बना रहे हैं। यहाँ पे सारा भोजन सोलर एनर्जी से बनता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है सोलर एनर्जी से जनरेट होती है। सो जैसे आप छत पे देख भी पाएंगे यहाँ पे सोलर सेल लगे हुए हैं काफ़ी बड़े बड़े। तो आप जैसे ही लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे ये आपको एक टिकट काउंटर है, यहाँ पे फ्री मील भी मिलती है और आप देख पा रहे हैं स्पेशल सिटिंग भी है। तो फ्री मील में आपको फ्री खाना मिलेगा, स्पेशल सिटिंग में शायद 50 रुपये का है, मुझे ध्यान नहीं है इस चीज़ का, आप जाके चेक कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। और यहाँ पे एक ब्लड बैंक भी है मंदिर के यहाँ, अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपको वहाँ पे VIP दर्शन के लिए टिकट मिलेगी ब्लड डोनेशन के बाद। सो आप पढ़ सकते हैं इस बोर्ड को और ये सुबह 10 बजे से शाम 10 बजे तक, रात्रि 10 बजे तक आप जब मर्जी जाएं और यहाँ प्रसाद का आनंद ले सकते हैं। जैसे कि आप कूपन देख पा रहे हैं, कूपन लेके आपको बस लाइन में जाके लगना है, बड़ी सिस्टमेटिक वे में लाइन होती है यहाँ पे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक लाइन इधर से जाएगी तो एक इधर से आएगी, आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते बीच में से, ये बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में है। तो ये जो हॉल है इसके 3 गेट हैं, अगर आप देख पाएंगे तो हॉल नंबर जो है इसका गेट नंबर 1, उसके बाद 2, उसके आगे 3। तो ये तीनों गेट से आप अंदर एंट्री ले सकते हैं जिस टाइम पे जौन सा भी गेट ओपन हो रहा होगा। सो प्रसाद के लिए यहाँ पे एक ही बार में 5,000 से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं, लगभग 5,000 लोग बैठ सकते हैं। सो आशा करता हूँ कि आप भी ज़रूर जाएंगे और भोजन का आनंद लेंगे। और आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शिरडी से रिलेटेड मैं और भी वीडियो लाने वाला हूँ। सो आपका कोई सवाल है तो आप वो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।